अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और रेसिपी लेके आई हूँ, पेशावरी मटन कढ़ाई की। ये बहुत ही मज़े की और बहुत सिंपल कढ़ाई बनती है, जो कि आप मटन के साथ बनाएंगे, क्योंकि मटन जो है पेशावर साइड पे बहुत ज़्यादा दुम्बा और ये यूज़ होता है, तो हम इसे मटन में ही प्रिपेयर करेंगे। आपको मैं बताती हूँ, मेरे पास 1 किलो जो है ये मटन है। 1 किलो मटन को मैं अपने प्रेशर कुकर में शामिल कर दूंगी। ये मिक्स मटन है मेरे पास, आप इसी तरह मिक्स मटन लें और कोशिश करें कि इसमें हल्की हल्की सी जो है इसकी अपनी फैट्स जो है वो लगी हुई हों, तो ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। 1 किलो मेरा ये मटन ले लिए, उसके बाद मैं 4 बड़े टेबलस्पून भर भर के इसके अंदर लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ वो ऐड कर दूंगी। वैसे इसके अंदर ये लोग लहसुन का पानी डालते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये चीज़ पसंद है। और इसी के अंदर मैं 1/2 किलो से ज़्यादा, मेरे पास ये 3 पाव टमाटर हैं, ये मैं साबुत ही शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 2 ग्लास पानी शामिल करूँगी और इसको जो है मैं 10 मिनट का प्रेशर दूँगी। मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये जी हमारे गोश्त को 10 से 12 मिनट का जो है प्रेशर आ गया है। अब हम ये सारे जो छिलके हैं वो इसी में रिमूव कर लेंगे, और छिलके रिमूव करके मैं इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। ये सारे टमाटर के छिलके आपने इसके ऊपर से उतार देने हैं, बहुत ईजीली उतर जाते हैं और टमाटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी एक कढ़ाई में और फिर हम अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। ये जी मैंने अपनी जो कढ़ाई है इसको इसमें शिफ्ट कर ली है, पेशावरी कढ़ाई को, और इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है जो कि प्रेशर कुकर में इसे निकाला है, तो इसमें पानी था। आपने इस पानी को खुश कर लेना है। इसके अंदर अब मैं 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो शामिल कर दूँगी। ठीक है, अब ये इतना पकेगा, अभी मैंने इसमें ऑयल या कोई और चीज़ नहीं डाली। अब ये पकेगा, जब इसकी ये अच्छी तरह से टमाटरों की ग्रेवी बन जाएगी और ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो चीज़ें शामिल करूँगी। यदि 1 कप ऑयल हमने अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल कर दी है, अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ये कुटा हुआ धनिया ये शामिल कर देंगे, और इसके अंदर मैं ये ग्रीन चिली 7 से 8 मेरे पास हैं ये मैं इसमें डालूँगी। काफ़ी सारी इसके अंदर अदरक जो है वो जाएगी और हम इसको अच्छा सा जो है वो भून लेंगे कि इसकी ग्रेवी बन जाए। ये शिनवारी कढ़ाई से थोड़ी सी डिफरेंट होती है पेशावरी कढ़ाई, क्योंकि इसकी जो बेस है वो बनती है टमाटरों की। जैसे ही हमारा ये सारा मटेरियल जो है ये ऑयल छोड़ देगा और हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर एंड में हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो 1 टीस्पून काली मिर्चें दम पे डालेंगे और हम अपनी कढ़ाई को डन करेंगे। जैसे ही अच्छा सा ऑयल छोड़ दे आप इसको फाइनल कर दें। ठीक है, इसमें अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें। आइडियली इसके अंदर जाती है दुम्बे की चर्बी, या आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम लोग क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं और हम इसको डन करेंगे ऑयल के साथ। ये जी हमारी जो पेशावरी कढ़ाई है ये बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको इसी कढ़ाई के अंदर सर्व करने लगे हैं। ये जी आप देख सकते हैं हमारी पेशावरी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, इसको हमने सर्व कर दिया है। आप इसकी लुक देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत कम मसालों के साथ बनती है। मेरी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू।